सोचे वो हमें प्राप्त हो जाए। काश हम जो भी इच्छा करें वो हमें मिल जाए। ये होता है क्या? हाँ होता है ना, हम मनुष्य हैं। मैंने कई बार कहा है आप परमात्मा है, इस बात को मत भूलना। एक बात बताओ, बिल्ली का छोटा सा बच्चा क्या होता है? गाय होती है। होती है क्या? बिल्ली का बच्चा है, ऑब्वियसली पूछने की क्या बात है, वो बिल्ली होगा। गाय का छोटा सा बच्चा कौन सा जानवर है, कौन सा जीव है ये? माफ कीजिएगा, गाय को जानवर नहीं कहते हैं, मेरे मुंह से निकल गया। कौन सा जीव है ये? भैंस हो सकता है क्या? नहीं, गाय का बच्चा है, गाय होगा, इसे पूछने की क्या बात है, छोटा है। बड़ी होगी फिर बड़ी गाय बन जाएगी, कुत्ते का बच्चा कुत्ता है। चिड़िया की छोटी सी बच्ची चिड़िया है, अभी नहीं उड़ सक रही है, छोटी है, इसीलिए बड़ी होगी फिर वो चिड़िया बन जाएगी। तो मनुष्य किसकी संतान है? मनुष्य परमात्मा की संतान है। हम मैदे सूजी आटे से नहीं बने हुए, ये पंच तत्व से बना हुआ है ना, वायु अग्नि जल पंच तत्व से बना हुआ है, यानी कि ब्रह्मांड से बने हुए हैं हम। हमें सृष्टि ने बनाया, तो हम ही तो सृष्टि हुए हैं। निर्बल है, अभी अभी छोटे हैं, नहीं बहुत कुछ कर सकते, परंतु परमात्मा की संतान है तो परमात्मा है। हमारे अंदर ममता है, स्नेह है, प्रेम है, आशीर्वाद हम देते हैं और किसी को लग जाती है, हम बददुआ देते हैं किसी को लग जाती है, हम बोल देते हैं अपने मुँह से वो पूरा हो जाता है, हम जो ख्वाब देखते हैं बस देखने मात्र से वो पूरा हो जाता है, अर्थात कोई बात तो है हमारे भीतर। फिर खुद को कोस क्यों रहे हो, खुद को इग्नोर क्यों कर रहे हो? बाहर जो शक्तियां ढूंढ रहे हो, अपने भीतर की शक्ति को तो जागृत करो। तुम्हें जितनी शक्ति ईश्वर ने दी है कि समस्त जीवन में तुम्हें ईश्वर से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सब कुछ तुम्हारे पास है, परंतु जानो तो खुद को। पंछी उड़ना जानता है तो उसे उड़ने के लिए सीखने के लिए बिल्ली या कुत्ते के पास नहीं आना पड़ता है, उसे उड़ने सीखने के लिए किसी भी स्कूल में ट्रेनिंग सेंटर में नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि वो पंछी का बच्चा है तो उसे मालूम है कि मैं उड़ना जानता हूँ। बस जरूरत है हौसले की और अपने भीतर की शक्तियों को पहचानने की। जिस दिन उसका हौसला हो जाता है उड़ जाता है, उड़ना तो वो जानता ही है, वो चाहता नहीं उड़ना, इसलिए वो तब तक बैठा रहता जब तक उसके भीतर डर होता है और उसे मालूम ही नहीं होता है कि वो उड़ना जानता है। उसकी माँ जबरदस्ती उसको धक्का दे देती है किसी ऊंची जगह से और वो डर के मारे पंख हिलाने लगता है, उड़ने लगता है। ये देखा है ना आपने? तो जब हम परमात्मा की संतान है तो हमारे अंदर भी वो सारे गुण है जो परमात्मा के भीतर है, तो इसीलिए परमात्मा ने हमें बनाया है सारे गुणों के साथ, ताकि तुम छोटी बड़ी जरूरतों के लिए मेरे पास मत आना, बस अपनी शक्तियों को पहचानना, जागृत करना, खुद को समझना कि तुम क्या क्या जानते हो, और फिर तुम अपनी जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकते हो। तुम्हारे पास मस्तिष्क है जो बहुत बहुत कम जीव के पास है, तुम्हारे पास दो हाथ है जिससे हम वो कर सकते हैं जो कोई जीव जंतु जानवर नहीं कर सकता, तुम्हारे पास दो पैर है, तुम अपने मनोबल का प्रयोग करते हो, तुम्हारे भीतर भावनाएं हैं जो पशुओं में नहीं है, तुम दूसरों के दुख को भी देख कर रो पड़ते हो, तुम खुशियां मनाते हो अपनी खुशी की, वो सारे गुण जो मनुष्य को मिले हैं किसी अन्य जीव को नहीं मिले, तो फिर जानो खुद को कि तुम भी परमात्मा की संतान हो। चलो अपने भीतर जागृत करते हैं कि इच्छा, सिर्फ एक कार्य करना प्रारंभ कर दो, मैं कहती हूँ तुम जो सोचोगे वह पूरा होगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में अगर ओम नमः शिवाय अवश्य लिखे अपनी अवस्था जरूर बताएं। यही वो मंत्र है जो जीवन की हर बाधा को, हर दुविधा को, हर दुख को दूर कर देता है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, इस परिवार का हिस्सा बनिए, जुड़िए मुझसे, इस खुशी का हिस्सा बनिए। बहुत प्यार मिल रहा है आपका इस चैनल को भी, मुझे ज्योतिष ज्ञान चैनल पर भी आपने बहुत प्यार दिखाया है, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। ऐसे ही जुड़े रहिए, आपका स्नेह आपका प्रेम मुझ पर बना रहे, परमात्मा की कृपा बनी रहे आप सब पर, मुझ पर भी। चलिए बैठे बैठे करोड़पति बनते हैं। मैं गाड़ी का स्वप्न देखूंगी, गाड़ी आ जाएगा मेरे घर में। मैं बड़े से बंगले का स्वप्न देखूंगी, चाह करूंगी और वो आ जाएगा। कैसे होती है ये इच्छा पूरी? तुम्हारे पास है ये शक्ति कि तुम करोड़पति बन जाओ। जो काम कर रहे हो ना उसी से, जो छोटी सी दुकान है ना तुम्हारी, उसी दुकान से लाखों लाख की कमाई होने लगेगी, फिर ऑब्वियसली तुम्हें करोड़पति बनने से कोई रोक ही नहीं सकता।
जो नौकरी कर रहे हो, जो बिजनेस व्यापार कर रहे हो, देखो धन आने का मार्ग कैसे खुलता है। प्रथम तो सुबह सोकर जल्दी उठने की आदत डालो। ये बिस्तर पकड़ने वाले लोग हैं ना, बैठे बिठाए 7 बज गए, 8 बज गए, सूर्य सिर पर चढ़ा है, तुम फिर से कंबल ओढ़ रहे हो, फिर से चादर तान रहे हो, उठकर फिर से सो रहे हो, फिर चाय पीने की इच्छा हो गई तुम्हारी, बिना ब्रश किए, बिना स्नान किए, सूर्य को जल दिए बिना, फिर तुमने चाय पी लिया, फिर सो गए जाके आलस से भरा जीवन। 10 बज गए, 11 बज गए, बहुत भूख लगी, तब उठा तुमने नाश्ता करने के उद्देश्य से, परमात्मा को याद करने के उद्देश्य से नहीं, पेट में बहुत भूख लगी, तब तुम बिस्तर छोड़े, किसी तरह खा लिए और मन हो रहा फिर जाके सो जाओ, किसी ने डांट लगाई तब नहाने की सोचे, और न छोड़ो कौन परमात्मा को, फिर अमीर बनने के ख्वाब भूल जाना, फिर धन प्राप्ति का उमंग और सूर्य की भांति चमकने के ख्वाब भूल जाना। सोए रहना, सोना भी एक सुख है, यदि तुम्हें इसी में सुख मिलता है तो यही सुख सही। उन भाई बहनों की बात कर रही हूँ जिनका उद्देश्य सूर्य के समान चमकना है, बहुत धन की प्राप्ति करनी है, अपने इसी जीवन काल में इसी 24 घंटे को प्रयोग करके करोड़पति बनना है, हर वो चीज को हासिल करना है जो अमीर से अमीर व्यक्ति हासिल करते हैं, उनके लिए। लकड़ी की कटी हुई धूप आती है जो हवन में यूज होता है, सब जहां भी पूजा का स्टोर हो वहां पर ये धूप आसानी से मिलती है, धूप ले लेना, परंतु सफेद धूप नहीं लेना। यदि तुम्हारे यहाँ प्लेन सा धूप मिलता हो तब तुम इसमें पीला सरसों, जौ, तिल ये सब मिलवा लेना, और अक्सर ये सारी चीजें मिली हुई होती है, अष्टकर्ण सब कुछ मिले हुए होते हैं, गूगल वगैरह सब मिला हुआ होता है, घी डाला हुआ रहता है, और पूरा मिक्स करके एक धूप मिलता है हवन के लिए, हर पूजा स्टोर में मिलेगी। ध्यान से देखोगे तो उसमें तुम्हें तिल नजर आएगा, उसमें सरसों के दाने नजर आएंगे, जौ जरूर मिलेगा, तो ऐसे मिक्स वाला धूप ले लेना, ना मिले तो अलग अलग मिला सकते हो। धूपदानी ले लेना, हर घर में धूपदानी होते हैं, पीतल के, मिट्टी के, कोई भी धूपदानी, अंदर 2-3 टिकिया कपूर की डाल देना, थोड़ा धूप डाल देना, उसके ऊपर थोड़ा घी डाल देना, फिर 1-8 टिकिया कपूर की जला देना, ताकि ये धूप जले अच्छे से, अपने सामने रख देना। मन को बहुत शांत रखना, 3 बार गहरी सांस लेना, 3 बार गहरी सांस छोड़ना, ताकि मन चंचल होता है शांत हो जाए। सुबह सुबह बिल्कुल सूर्य उदय हो, पूर्व की दिशा की ओर चेहरा करके आसन पर बैठ जाना, इस धूप को सुलगा देना, जला देना, धुआं होने लगेगा। धूप जब जलता है तो आग नहीं जलती है, आग जलने के बाद बुझ जाती है और पूरा धुआं होता है, होने देना धुआं, मन बड़ा अच्छा प्रसन्न होगा, अपने से ज्यादा दूर रखना, धूप की खुशबू फैल जाएगी, मन तुम्हारा बहुत शांत रहेगा। आंखें बंद करना, ईश्वर से कुछ मांगना मत, देखो मैंने कहा उन्होंने सब कुछ तुम्हें दिया है, फिर जाओगे मांगने के लिए तो फिर वो तुम निर्बल कहलाओगे कि नहीं तुम्हें तो, तुम्हें जब मालूम है कि तुम्हारे पास 10 का नोट है और तुम्हें 10 रुपए का खर्च है, फिर 10 रुपए क्यों पिता से मांग रहे हो, पहले इसको खर्च करो तो फिर देंगे ना वो, उन्होंने क्या क्या तुम्हें दिया तुम्हें पता ही नहीं। तुम्हें बड़ी गाड़ी की इच्छा है, 25 लाख वाली गाड़ी, आंखें बंद करो और उस गाड़ी में खुद को बैठा हुआ देखो ईमानदारी से, दीदी ने कहा है इसलिए नहीं, धूप जल रहा है इसलिए नहीं। तुम्हें फ्लैट लेना है ना, 2 BHK का, 3 BHK का फ्लैट लेना है, बड़े शहर में लेना है, चलो मुंबई में लेना है, तो मुंबई में तुमने फ्लैट ले लिया है और तुम उसका दरवाजा खोलकर अंदर जा रहे हो, तुम बैठे हो, तुम कॉरिडोर से बाहर देख रहे हो, यह सब आंखें बंद करके देखो, केवल पूरी ईमानदारी से अपनी पूरी शक्ति के साथ इसे देखो। तुम्हें कोई मिल बैठानी है, तुम्हें कोई जिम खोलना है, उसमें बड़े बड़े महंगे महंगे इंस्ट्रूमेंट लगा दिए हैं, तुम आंखें बंद करके उन इंस्ट्रूमेंट्स को देखो, तुमने परचेज कर लिया है, तुम्हारा जिम खुल गया है, सारे सामान आकर सेट हो रहे हैं, तुम खड़े हो, बहुत सारे लेबर आ रहे हैं, लगा रहे हैं, मेरी बात का मतलब समझे, तुम ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हो, पूंजी नहीं है तुम्हारे पास, महंगी महंगी चीजें चाहिए, आंखें बंद करो और अपने पार्लर को सेटअप होता हुआ देखो, पूरी भावना के साथ, जितनी शक्ति है तुम्हारी उतनी शक्ति के साथ देखो, सिर्फ देखो, मांगो नहीं ईश्वर से, तुम देखो ना सिर्फ, तुम्हारे सामने रुपयों का ढेर लगा है, तुम्हें तुम्हारा बैंक बैलेंस दिख रहा है, तुम्हें तुम्हारे तुम्हारा जो पासबुक है उसमें तुम्हें बैलेंस नजर आ रहा, ध्यान से देखो तुम्हारा जो पासबुक है उसका जो बैलेंस है वो कितना है, तुम ध्यान से देखो 70 लाख रुपए है कि 3 करोड़ रुपए है, तुम जो देखना चाहते हो, अति मत बोल देना कुछ, कुछ बिल्कुल हद को पार मत कर देना कि तुम एक दिन में 10 करोड़ रुपए के मालिक बन, इस तरह मत देखना, तुम प्राइम मिनिस्टर बन गए,
तुम अचानक से किसी फिल्म की हीरोइन बन गई हो, तुम साधारण से शहर में रहने वाली लड़की हो, नहीं, अगर हीरोइन बनना तुम्हारा पैशन है, तुम्हें मॉडलिंग करना, तुम्हें पिक्चर में चांस चाहिए, तब तुम ये देखना, नामुमकिन चीज मत देखना, धोखा मत करना सृष्टि के साथ, तुम्हें जो चाहिए वास्तव में जिस चीज की जरूरत है परमात्मा वही चीज तुम्हारी ओर आकर्षित करने लगते हैं, तुम उसी चीज को देखना। तुम्हारे बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है किसी बड़े कॉलेज में जहाँ बड़े बड़े लोग पढ़ते हैं, तुम्हारा मन है कि हर हाल में वो बच्चा वहाँ पढ़े, आंखें बंद करके देखो तुम्हारे लड़के का एडमिशन वहाँ हो गया, वो जा रहा है कॉलेज, कॉलेज के बोर्ड में नाम पढ़ने का प्रयास करो, वही कॉलेज है, तुम सिर्फ इतना करो ना, किसी भी दिन सोमवार से शुक्रवार किसी भी दिन यह प्रयोग करो, और जब भी जीवन में मिले मौका, जब भी हफ्ते में मिले, जब भी महीने में मौका मिले, तुम यह प्रयोग करो, पूरी शक्ति के साथ उस चीज को देखो जो तुम्हें चाहिए, सिर्फ देखो ना और देखो क्या मिलता है तुम्हें, बन जाओगे माला माल, हो जाओगे करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद।